कुमावत तखतगढ़ में शीतला माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां पार्षद विक्रम खटींग, पार्षद भंवरलाल मीणा और वार्ड वासियों ने शराब का ठेका हटवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 2 और 3 में पिछले लंबे समय से शराब का ठेका है, उसको हटाने को लेकर पिछले कई सालों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे वार्ड वासियों और जनप्रतिनिधियों में रोष दिखाई दे रहा है। पे कोई दारू का ठेका चल रहा है शहर के बीच में, तो बता रहे थे कि शाम को 8 बजे के बाद में भी वहाँ पे दारू बिकता है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों का पालन करें, 8 बजे के बाद में दारू नहीं बिके, समय का पालन अधिकारियों से करवाएंगे। और वो हटाने की जहाँ तक बात है तो उसका एक बार पुनः सर्वे करा लेंगे, और सर्वे में यदि वो गलत जगह है तो निश्चित रूप से। मोदी जी ने कहा है कि अगर जिसकी सरकार की जो नॉर्म्स है, जिसके स्कूल है या मंदिर है, उनकी अगर पास में होगा और आबादी क्षेत्र में है तो इसको मटवाने के पूरे प्रयास करेंगे। इससे पूर्व में भी कई प्रयास किए हैं, मतलब आला अधिकारी को ये सूचनाएं दी है, आबकारी विभाग को भी दी है, मंत्री महोदय को, सरकार को भी ये सब सूचनाएं भिजवाई हुई है हटवाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये कार्रवाई हुई नहीं। तो अभी हम चाहते हैं कि आबादी क्षेत्र में और मंदिर के नज़दीक है तो इस शराब के ठेके को हटवाएं। ज्ञापन दिया हमारे वार्ड नंबर 12 में आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका है, और आए दिन शराबी वहाँ मतलब शराब पी करके गाली गलौज की करते हैं, और वहाँ लेडीज़ों का भी आवागमन ज़्यादा है और बिल्कुल ही आबादी क्षेत्र में है। तो मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया बहुत ही जल्दी उनको।